तो गाइस बहुत टाइम हो गया स्टील किचन सेट की यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की थी। और दोस्तों यहाँ पे मार्केट में दो यूनिक स्टील किचन सेट आए हुए थे। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट है क्रेजी कुकिंग किचन सेट और इसके बाद यहाँ पे है रसोई स्टैंड किचन सेट। तो इसके साथ दोस्तों आपको स्टैंड भी मिलने वाला है। प्राइस की दोस्तों मैं बात करूँ ना तो ये कुछ 350 रुपए के आसपास मिला है और ये जो वाला दोस्तों किचन सेट है वो कुछ 550 रुपए के आसपास मिला है। हेलो गाइस मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं क्रेजी टॉय। दोस्तों लास्ट वीडियो देखना तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला किचन सेट आप लोगों को परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला बेस्ट है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक। तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर करा।
यहाँ पे दोस्तों दाल वगैरह को निकालने के लिए कटोरी वाला चिमटा हमें मिलने वाला है मॉडर्न लुक में। तो ये देखिए यार क्या फिनिशिंग, मुझे दोस्तों इसकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी। ये देखिए और क्या मजबूत है, ये मुड़ने वाला नहीं है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। हमारा बातिया जो पहले दिखा है दोस्तों वैसा ही सेम टू सेम शाइनिंग वाला मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में। और यहाँ पे दोस्तों एक छेलनी भी हमें मिलने वाली है, तो जिसमें आप लोग नूडल्स वगैरह या फिर जो कुछ भी बनाते हो आप लोग तो पानी दोस्तों छीलना पड़ता है, तो ये जो छलनी है वो इसी काम आती है। तो आप लोग क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है, ये मजबूत आपको मिलने वाला है। फिनिशिंग भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है एक चिमटा जिसमें दोस्तों भाखरी वगैरह जो तलते हैं उसी में ये काम आता है। तो आप लोग क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी है, काफ़ी मस्त। और यहाँ पे ये है पूरी बुरी तलने के लिए एक जाली वाला चिमटा। तो दोस्तों क्वालिटी की मैं बात करूँ ना, जो पहले दिखा है उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ये मजबूत मिलने वाला है। तो बने दोस्तों छोटा है लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग से बनाया गया है इसको, काफ़ी मस्त फिनिशिंग है। अगर आपके घर में यार मेहमान वगैरह आ गए तो भोजन करने के लिए यहाँ पे दो थाली मिलने वाली है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी और मॉडर्न दोस्तों डिश मिलने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों शाइनिंग वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी मस्त शाइनिंग है, तो यार मज़ा ही आ गया। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे है गैस स्टोव, तो इसको ओपन करना पड़ेगा तभी इसका जो सिलेंडर है ना वो इसके अंदर है। तो ये देखिए, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ये जो वाला गैस स्टोव है ना वो स्टील का नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये स्टील का नहीं है, ये प्रॉपर दोस्तों प्लास्टिक से बनाया गया है। अगर स्टील का दिया तो काफ़ी अमेजिंग रहता। तो आप लोग यहाँ पे फिनिशिंग वगैरह देख सकते हो, प्रॉपर दोस्तों इंडियन स्टाइल में इसको मेकिंग किया हुआ है। यहाँ पे ऑन ऑफ भी होता है और यहाँ पे इसकी नली और ये सिलेंडर है बहुत ही छोटा सा, ये 15 या 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा इसका गैस। तो आप लोग क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी मिलने वाले हैं, फिनिशिंग भी काफ़ी मस्त है, लेकिन इसकी जो ये सिल्वर पैटर्न है दोस्तों वो निकल जाएगी, उतने टाइम तक नहीं रहने वाली। तो हमारा वुडन स्टैंड, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में एक स्टैंड मिलने वाला है जिसमें आप लोग गैस स्टोव वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ पे पीछे सनमाइका का लगाई हुई है। तो दोस्तों ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ये टूटने वाला है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह का होता तो ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन ये बढ़िया चलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसमें दो डोर मिलने वाले हैं, एक ही है लेकिन बहुत ही लंबा वाला डोर है जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पे ये गैस स्टोव वगैरह रख सकते हो, इसमें छोटे मोटे बर्तन रख सकते हो, इसके ऊपर भी दोस्तों रख सकते हो छोटी मोटी चीज़ें। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी बेस्ट। गाइस यहाँ पे वीडियो भी तो खत्म हुई नहीं है, लास्ट में दोस्तों इन दोनों किचन सेट का सेटअप दिखाने वाला, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो जो देगा। आप लोगों को दोस्तों इन दोनों किचन सेट में जो कौन सा वाला किचन सेट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि दोस्तों ये है ना वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक का कोई भी चीज़ मिलने वाली है लेकिन छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन उसका जो प्लास्टिक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर आप लोग इसको एक बार परचेज करोगे ना तो बहुत टाइम तक चलने वाला है, अगर प्लास्टिक का किचन सेट लोगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं, आप सभी को पता ही होगा कि खुद ना खुद दोस्तों टूट जाता है, तो ये भी सिर्फ वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर दोस्तों आप लोग इन दोनों में से सिर्फ एक ही परचेज करना चाहते हो तो मैं सजेशन करूँगा यहाँ पे ये जो वुडन स्टैंड के साथ किचन सेट मिलता है ना वो आप लोग परचेज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें काफ़ी प्यारा सा गैस स्टोव वगैरह भी मिलने वाला है, बहुत सारी दोस्तों चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके काम आएगी खेलने के लिए। और यहाँ पे मेन बात की यहाँ पे दोस्तों किचन का एक स्टैंड भी मिलने वाला जिसमें गैस स्टोव वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, खेलने में दोस्तों रियलिटी जैसा मजा भी आने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला। तो चले तुम्हें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।